नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। केंद्र सरकार ने बताया है कि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच 88,844 दवाओं के सैंपल की जांच की गई है। इनमें से 379 दवाएं नकली पाई गई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि इसी अवधि के दौरान नकली दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण के लिए 592 मुकदमे चलाए गए। बता दें कि सरकार ने 17 जुलाई तक 915 दवाओं के लिए अधिकतम कीमतें तय कर दी हैं। घर से निकलने के बाद अक्सर लोग पब्लिक प्लेस पर मोबाइल को चार्जिंग पर लगा देते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो संभल जाने की जरूरत है, क्योंकि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन पर ये आपकी गलती आपको भारी पड़ सकती है। दरअसल इन दिनों स्कैमर्स जूस जैकिंग स्कैम के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तरह के अपराधों को लेकर लोगों को चेताया है। फाइनेंशियल सेक्टर में वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर RBI की एक बुकलेट के अनुसार जूस जैकिंग स्कैम एक तरह का घोटाला है। इसके जरिए साइबर अपराधी आपके मोबाइल से महत्वपूर्ण डेटा चुरा लेते हैं, जिससे आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है। नासा में बिजली कटने के कारण मंगलवार को मिशन कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बीच संपर्क टूट गया। मिशन नियंत्रण से स्टेशन पर आदेश नहीं भेजा जा सका और कक्षा में मौजूद 7 अंतरिक्ष यात्रियों से बात नहीं की जा सकी। ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर की इमारत में उन्नयन का काम चल रहा था, जिसके चलते बिजली गुल हो गई। अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम प्रबंधक जोएल मोंटेलबानो ने कहा है कि न तो अंतरिक्ष यात्री और न ही स्टेशन कभी किसी खतरे में थे और बैकअप नियंत्रण प्रणाली ने 90 मिनट के भीतर काम संभाल लिया। भारत सरकार ने पिछले दिनों गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। इसके बाद से अमेरिका के डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर चावल खरीदने के लिए भगदड़ मच गई। चावल खरीदने के लिए इस कदर भीड़ उमड़ी के स्टोर्स ने ग्राहकों द्वारा खरीदे जा रहे चावल के बैग की संख्या पर लिमिट लगा दिया। कई स्टोर्स पर स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रति परिवार केवल एक चावल बैग का नोटिस लगा दिया गया है, लेकिन चावल की जमाखोरी को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है और वोट देना वैधानिक अधिकार है, इसलिए मतदाता को उम्मीदवार की पूरी पृष्ठभूमि के बारे में जानने का अधिकार है। यह संवैधानिक न्याय शास्त्र का हिस्सा है। कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू लंबे समय से एक मॉनसून में होने वाली बीमारी रही है। भारत में आमतौर पर बारिश के मौसम में इसके मामले बढ़ते हैं। हाल ही में खबर आई है कि देश भर के कई राज्यों में कंजक्टिवाइटिस के केस बढ़ रहे हैं और लोग इससे काफी परेशान रहे हैं। दिल्ली NCR की बात करें तो वहां भी कंजक्टिवाइटिस के मामले बढ़ने लगे और दिल्ली एम्स में रोजाना 100 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। अगर सरकार ने संसदीय समिति की सिफारिश मानी तो पुरस्कार प्राप्त करने वाले सरकार के किसी फैसले या किसी घटना के विरोध में अपने अवार्ड लौटा नहीं सकेंगे। संसदीय समिति ने यह सिफारिश अवार्ड वापसी पर रोक लगाने के मकसद से की है। समिति ने सिफारिश की है कि अवार्ड देने से पहले पुरस्कार विजेताओं से शपथ पत्र लेना चाहिए कि वो राजनीतिक या अन्य वजहों से पुरस्कार नहीं लौटाएंगे, और अगर कोई ऐसा करता है तो भविष्य में उसके नाम पर किसी भी अवार्ड के लिए विचार नहीं करना चाहिए। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से चीन को आईना दिखाया है। डोभाल ने चीन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि ब्रिक्स देश आतंकवादी और छद्म रूप से उनके लिए काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। वे आपसी तालमेल के साथ ऐसे आतंकियों और उनके सरपरस्तों पर संयुक्त राष्ट्र के तहत प्रतिबंध लगवाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर सकते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा कुश्ती के संचालन के लिए नियुक्त तदर्थ समिति के सदस्य ज्ञान सिंह ने कहा है कि वह समिति को प्रस्ताव देंगे कि अगर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप के लिए आगामी ट्रायल हार जाते हैं तो उन्हें भारत के एशियाई खेलों की टीम से हटा दिया जाए। बजरंग और विनेश को एशियाई खेलों में सीधे प्रवेश दिया गया। ओलंपिक के अन्य 16 वजन श्रेणियों में खिलाड़ियों का चयन यहाँ 22 और 23 जुलाई को हुए ट्रायल के नतीजे के आधार पर हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे करण आगामी भारतीय कुश्ती महासंघ चुनावों के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसे सदस्य का नाम शामिल है जो मौजूदा राज्य निकायों से जुड़े नहीं है। WFI संविधान के मुताबिक केवल राज्य कार्यकारिणी के सदस्य ही चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा हो सकते हैं। अनिता स्योरान, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में गवाहों में से एक हैं, को 12 अगस्त को चुनावों के लिए ओडिशा प्रतिनिधि के रूप में सूची में नामित किया गया है। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में पिछले कुछ दिनों से गतिरोध जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को विपक्षी दलों से कहा है कि वे मणिपुर जैसे संवेदनशील विषय पर चर्चा करें, क्योंकि देश के लोग उन्हें देख रहे हैं और वे जनता का खौफ करें। शाह ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर यह भी कहा है कि वे मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा में अमूल्य सहयोग दें। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप का अहम मुकाबला रिशेड्यूल हो सकता है। दरअसल ये मुकाबला
नवरात्रि के पहले दिन होने जा रहे हैं और गुजरात में इस दौरान बड़े पैमाने पर गरबा का आयोजन होता है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने बीसीसीआई को टूर्नामेंट के शेड्यूल में बदलाव की सलाह दी है। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य के तहत तीर्थ पुरोहितों के मकानों के निर्माण कार्य तेज गति से चल रहे हैं। इनमें तीन तीन मंजिला भवनों का निर्माण हो रहा है। केदार सभा के तीर्थ पुरोहित उमेश चंद्र पोस्ते ने भारत सरकार और प्रदेश सरकार व शासन प्रशासन से अपील की है कि ये भवन केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई से ऊपर जा रहा है, लिहाजा इसमें रोक लगाई जाए। ऐसा नहीं होने पर इसी इमारत में धरने में बैठने की चेतावनी दी है। यह 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में दूसरे चरण का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपने भी अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करवा रखा है तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार की तरफ से अब सुकन्या समृद्धि योजना में बड़े बदलाव कर दिए गए जिसका सीधा असर खाता धारकों पर पड़ेगा। अब से सुकन्या समृद्धि जैसी योजना में निवेश करने के लिए आपके पास में पैन और आधार कार्ड होना जरूरी है। इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने साल 2015 में की थी। इस योजना में खाता खुलवाकर आप अपनी बेटी के लिए बड़ा फंड बनवा सकते हैं और इस पैसे को आप अपनी बेटी की पढ़ाई या फिर बेटी के अन्य किसी काम में भी खर्च कर सकते हैं। बिहार सरकार ने केंद्र पर 92,000 करोड़ से अधिक राशि की हकमारी का आरोप लगाया। आंकड़ों के हवाले से मंगलवार को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और योजना व विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि इसमें से 2/3 धनराशि की हकमारी 14वें और 15वें वित्त आयोग के कारण हुई है। इस राशि के झटका केंद्र प्रायोजित योजनाओं में शेयरिंग पैटर्न में बदलाव के कारण लगा। उन्होंने कहा है कि अब बिहार के साथ आर्थिक अन्याय है जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुआ। इन्हीं सारे कारणों से जदयू को एनडीए से अलग होना पड़ा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने डीएनए टेक्नोलॉजी विधेयक को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। रमेश ने कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं चाहती थी, इसलिए इसे वापस ले लिया गया। इंडियन रेलवे इस समय देश भर में वंदे भारत ट्रेन चला रहा है। अब वंदे भारत ट्रेन को लेकर एक और बड़ा फैसला सामने आया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ समय पहले ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में जानकारी दी थी। अब यात्री जल्द ही वंदे भारत ट्रेन में लेटकर सफर कर सकेंगे। वंदे भारत के स्लीपर कोच से सजी ट्रेनों का वाणिज्यिक उत्पादन टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के उत्तरपाड़ा संयंत्र में जून 2025 से शुरू होगा। बिहार सरकार फसल सहायता योजना से सब्जियों की फसलों के लिए भी किसानों को सरकारी सहायता देगी। यदि किसानों की सब्जियों की फसल प्रतिकूल मौसम की वजह से नष्ट होती है तो किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बता दें कि बैठक में कुल 35 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स पहुंचकर हवन पूजा किया। इसके बाद पीएम मोदी आईपीटीओ कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से मिले और शॉल ओढ़कर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने श्रमिकों के साथ ग्रुप फोटो भी शूट कराया। पीएम मोदी आज शाम इस कॉम्प्लेक्स का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को भारत की मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की मौसम पूर्वानुमान प्रणालियां दुनिया भर की सभी प्रणालियों से बेहतर है। मौसम विभाग की मौसम को लेकर की जाने वाली भविष्यवाणी की सटीकता में भी सुधार हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में इसके परिणाम सटीक रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस पर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम LOC पार कर सकते हैं और करेंगे। उन्होंने कहा है कि भारत अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए नियंत्रण रेखा को पार करने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने देश के नागरिकों से ऐसी स्थिति में सैनिकों का समर्थन करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। विगत 9 वर्षों में यह दूसरा अवसर होगा जब मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। चीन ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले साल बाली में G20 देशों की बैठक के बाद आपसी बातचीत के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने के लिए आम सहमति पर पहुंच गए थे। ये पहला मौका है जब दोनों देशों में से किसी एक देश की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच की गई मुलाकात में क्या बातचीत की गई थी उसको लेकर कुछ बयान जारी किया गया है। हालांकि भारत ने चीन के इस दावे को नकार दिया है। बिहार में सब्जियों के बाद अब मसाले के भाव में बढ़ोतरी हुई है। इस कारण सब्जियों का जायका बिगड़ सा गया है। दाल और सब्जियों में छौंक लगाने से पहले लोग सोचने को मजबूर हो गए। फिलहाल जीरा का भाव 580 रुपए किलो से बढ़कर 760 रुपए हो चुका है। गोलकी यानी काली मिर्च के भाव में भी अच्छा इजाफा हुआ है। दरअसल इसके भाव 580 रुपए प्रति किलो से बढ़कर सीधा 850 से 950 रुपए तक पहुंच चुके हैं। खड़ी हल्दी की कीमत 100 से बढ़कर सीधा 180 रुपए तक पहुंच चुकी है।
नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सोनी टीवी को लीगल नोटिस भेजा। सुपर डांसर सीजन 3 में बच्चे से अनुपयुक्त सवाल पूछने के चलते ये नोटिस भेजा गया। इस शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सुपर डांसर 3 के जजेस चाइल्ड कंटेस्टेंट से उसके माता पिता की इंटीमेसी को लेकर सवाल कर रहे हैं। कमीशन ने चैनल से ये कंटेंट डिलीट करने के लिए कहा है। इसके साथ ही इस मामले में जवाब भी मांगा है। संसद के मॉनसून सत्र का आज पांचवा दिन है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस और बीआरएस ने अलग अलग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे स्वीकार करते हुए चर्चा के लिए मंजूरी दे दी है। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में की गई हरकत पर अब उनको आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। आखिरी मुकाबले में अंपायर ने हरमनप्रीत कौर को LBW आउट दिया था। इन पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए स्टंप पर सीधे अपना बल्ला मार दिया था। भारत और बांग्लादेश के बीच आखिरी वनडे मैच टाई पर खत्म होने से सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई। हरमनप्रीत कौर की इस हरकत को लेकर अब पाकिस्तानी पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी नाराजगी जाहिर की। अफरीदी ने कहा है कि ऐसे पल मैच को अलग स्तर पर जरूर लेकर जाते हैं, लेकिन महिला क्रिकेट में इस तरह की हरकत अक्सर देखने को नहीं मिलती है। ऑनलाइन फर्जीवाड़े की ऐसी दुकान चल रही है कि हर प्रोफेशन के लोग इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है। एक चाइनीज ऑपरेटर ने 15,000 से ज्यादा लोगों को झांसे में लेकर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया है। यह पूरा फर्जीवाड़ा सिर्फ आसान तरीके से पैसे कमाने का झांसा देकर किया गया है। ऐसा नहीं कि इसमें फर्जीवाड़े में सामान्य और कम पढ़े लिखे लोग बस फंसे हैं। मामला उजागर होने पर पता चला है कि लाखों में कमाने वाले सॉफ्टवेयर भी जिसके झांसे में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोधी दलों के गठबंधन इंडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी का बयान आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट भी सामने आ गया। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के ट्वीट पर तंज कसा। उन्होंने संक्षिप्त शब्दों और तंज कसते हुए अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि लगता है तीर निशाने पर लगा। इंडिया के अस्तित्व में आने के बाद से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लोगों को तकलीफ बहुत हो रही है। नेपाल ने अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती पर रोक लगा रखी है। हालांकि यह मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने सोमवार को इससे जुड़ी जानकारी दी है। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि फिलहाल दोनों सरकारों के बीच इस मुद्दे पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस मामले पर बातचीत पूरी तरह से बंद हो चुकी है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद साकिर हुसैन। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, विपक्ष के इस कदम से आप कितने सहमत हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।